हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे पनीर। देखिए आप लोग कैसे पनीर बनाया जाता है। हम लोग एक पतीले में दूध रख देंगे। पहले देखिए हम लोगों ने दूध रख दिया। अब इसको गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे गैस पर। दूध हम लोग का रख दिए हैं गर्म होने के लिए। दूध गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें थोड़ा सा नींबू गार कर इसको फाड़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग का दूध गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ देंगे, हम लोग का दूध फट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने नींबू निचोड़ कर कितना अच्छा से हम लोग का दूध फट गया, आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा से हम लोग दूध को फाड़ लिए नींबू के मदद से। आप लोग चाहें तो मतलब आधा नींबू भी ले सकते हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा लिए थे, जल्दी से दूध फट जाए। देखिए अब इसको एक सूती कपड़ा में छान लीजिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसको अच्छे से सूती कपड़ा में गाड़ लिया। अब इसको अच्छे से ऐसे करके आप लोग एक जो भारी होगा बर्तन चाहे कुछ भी उससे करिएगा, रख दीजिएगा इस पर, ऐसे सेट हो जाएगा पनीर आप लोगों का। देखिए हम लोग जो एक्स्ट्रा पानी थे उसको निकाल दिए। आप लोग चाहें तो ज़्यादा दूध के भी बना सकते हैं, हम लोग थोड़ा कम के बनाए, हम लोग का छोटा फैमिली है इसीलिए। देखिए दोस्तों, हम लोग सिलवट के नीचे रख दिए हैं इसको कि अच्छे से सेट हो जाए, तो थोड़ा देर बाद हम लोग निकाल कर इसको फ्रिज में रख देंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग का पनीर रेडी हो गया है। अब हम लोग कपड़ा में से इसको निकाल कर देखिए, मार्केट जैसा पनीर है ना उससे भी अच्छा होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसको हम लोग निकाल कर एक बर्तन में रख देंगे। अच्छे से सेट हो गया है हम लोग का पनीर, देखिए कितना अच्छा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे थोड़ा देर, अच्छे से सेट हो जाए।